प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के किसी गुरुकुल में नहीं है, गुयाना में मौजूद एक स्कूल का दौरा कर रहे हैं। ये स्कूल पूरी तरीके से सनातन रंग से सराबोर है। स्कूल था जिसका नाम था सरस्वती विद्यान निकेतन स्कूल, ठीक है जी। वहाँ पे थोड़ा एक वो जैसे कहते हैं ना इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशंस होते वो भी थे वहाँ पे। तो नरेंद्र मोदी वहां पहुंच गए। तो ये अब उस स्कूल, क्योंकि वहां पे वो लोग नरेंद्र मोदी को देख के दे फेल्ट इट कि भाई ये हमारे ही लोग हैं, हम ही जैसे कहते हैं ना कि हमारा ही इनसे कनेक्शन है। ही वो मुल्क है जहां पर इस्कॉन टेंपल या हिंदुइज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। आए दिन नए आर्टिकल छपते रहते हैं जिसमें बताया जाता है कि इस्कॉन टेंपल जो है बहुत तेजी से हिंदुइज्म को न सिर्फ अरब कंट्री बल्कि यूरोप और मगरिब में जो है बहुत ज्यादा पजीराई मिल रही है, बहुत ज्यादा प्रेज मिल रही है। लेकिन दूसरी जानिब जो मुसलमान की जो मस्जिदें हैं, अल्लाह अकबर के नारों पर बैन, इस्लामी मस्जिदों पर बैन, आखिर इस्लामोफोबिया इतना क्यों बढ़ रहा है? इंडिया की बात कोई भी नहीं कर रही। वो भाई है गुस्से करने की बात नहीं, नहीं हाँ, मुझे एक बात क्यों बताए, उधर आपकी कहीं शादी तो नहीं हुई मोदी के घर में? भाई मेरी क्यों शादी? ये लोगों की हुई होगी, अच्छा लोगों की हुई होगी, इनकी नहीं तो किसी और की हुई होगी। इंडिया की करता है यार, इंडिया के अलावा इसमें बात नहीं। मैं गलत बात करता हूँ, मुझे बताएं क्या क्या जुर्म है बात करना इंडिया की? इंडिया की आप बात ना किया करें। क्यों ना किया करें? ऐसा किया करें जब ये इंडिया की बात आप सुना करें। एंड देन फिर अगर आपको ये इंडिया को ये पता चल जाए कि ये इंडियन कल्चर को वेलकम कर रहे हैं तो वो और ज्यादा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक इंडियन कल्चर के ट्रेडिशन की जब बात हुई। जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गयाना दौरे पे जो अब क्लिप वायरल हो रही है वो ये हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक सनातन स्कूल में गए हुए हैं और वहाँ पे बच्चे संस्कृत में नाटक गायन और तरह तरह की जो सनातनी कल्चर में हमारे जो चीज़ें हैं वो प्रस्तुत कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के सामने। और दोस्तों आपको बताता चलूँ कि गयाना में जगह जगह पे सनातनी स्कूल है, क्योंकि गयाना में लगभग 45% हिंदू आबादी रहती है और तो जाहिर सी बात है फिर सनातनी परंपरा का वहाँ पे प्रचार प्रसार तो होना ही है, ठीक है। अब यहाँ पे भारत में ऐसे सनातनी स्कूल आपको कम दिखेंगे, लेकिन गयाना में आपको हर ज़िले में ऐसा मैं रिपोर्ट देख रहा था दिखेंगे। हालांकि ज़्यादा बड़ा नहीं है गयाना, लेकिन फिर भी ज़िले में 2-3 स्कूल ऐसे सनातनी स्कूल जहाँ पर सिर्फ हिंदू परम्परा को सिखाया पढ़ाया जाता है, वेद और मंत्र ये सब चीज़ें। और ऐसा नहीं है कि विज्ञान और गणित नहीं है, वो सब भी है, कंप्यूटर भी है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे वैदिक और जो सनातन परंपरा की चीज़ें वो भी पढ़ाई जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका विजिट किया और काफ़ी अच्छा लग रहा था स्कूल, उसके बारे में भी आप पता कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, काफ़ी ज़बरदस्त स्कूल है। और ऐसे करके 800 से ज़्यादा स्कूल है गयाना में, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ भारतीय कल्चर या सनातनी परंपरा को कितना महत्व दिया जाता है। एंड देन फिर अगर आपको ये इंडिया को ये पता चल जाए कि ये इंडियन कल्चर को वेलकम कर रहे हैं तो वो और ज़्यादा करेंगे। फॉर एग्जांपल एक इंडियन कल्चर के ट्रेडिशन की जब बात हुई जिसे वो कहते हैं कि जिसमें एक स्कूल था जिसका नाम था सरस्वती विद्यान निकेतन स्कूल, ठीक है जी। वहाँ पे थोड़ा एक वो जैसे कहते हैं ना इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशंस होते वो भी थे वहाँ पे। तो नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँच गए। तो ये अब उस स्कूल, क्योंकि वहाँ पे वो लोग नरेंद्र मोदी को देख के दे फेल्ट इट कि भाई ये हमारे ही लोग हैं, हम ही जैसे कहते हैं ना कि हमारा ही इनसे कनेक्शन है। तो इंडिया वो जब कल्चर कनेक्शन की बात आता है तो और एक्टिव हो जाता है। ये जिस तरह पाकिस्तान रिलीजियस कनेक्शन की बात की अहमियत करता है ना, एहसान करता है, वो कहता है कि जिस तरह वेस्ट डेमोक्रेसी की बात करता है, इंडिया भी डेमोक्रेसी की ज़रूर बात करता है, लेकिन फॉर इंडिया यू नो द इंटरेस्टिंग थिंग इज मोर अबाउट कल्चर एंड रिलीजन। मेरी असेसमेंट में डेमोक्रेसी इज नॉट, डेमोक्रेसी कनेक्ट्स इट विद द वर्ल्ड बट डेमोक्रेसी इज नॉट व्हाट इट प्रीचेस टू द वर्ल्ड। बिकॉज इंडिया सेज दैट यू नो योर इंटरनल सिस्टम्स आर योर ओन थिंग्स, हम उसमें आपको नहीं कुछ कहेंगे। इंडिया नरेंद्र मोदी विल टॉक अबाउट रिलीजन एंड कल्चर, इसीलिए वो जिधर भी जाते हैं वो अपने लोगों से, वो भी जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्राज़ील आई थिंक पहुंचे
तो लोग वो सारी रिलीजियस चीजें उनकी पढ़ रहे थे और उनको बड़ा मजा आ रहा था, बिकॉज उनको एम्बेसी को पता है कि नरेंद्र मोदी एम्बेसडर जो होते हैं उनको पता होता है कि ये हमारे जो लोग हैं इनको पसंद किया जाता है। अब गियाना के अंदर जो फॉर एग्जांपल एक कम्युनिटी प्रोग्राम हुआ जॉर्जटाउन के अंदर, तो बड़ी तादाद में इंडियंस आए, तो ये जो कल्चरल कनेक्शन है ये नरेंद्र मोदी की कमजोरी है, कल्चरल कनेक्शन। फिर क्रिकेट इंडिया की क्योंकि इम्पोर्टेंट एक गेम है, इंडिया उस पर छाया हुआ है, तो जो गियाना की क्रिकेट टीम है उसके साथ भी नरेंद्र मोदी ने अपना एक कल्चरल कनेक्शन जोड़ा। सो कल्चर एंड रिलीजन व्हाट इंडिया इज दैट इंडिया डज, लेकिन जहां पे डेमोक्रेसी हो वहां पे इंडिया डेमोक्रेसी वाला चीजें बाहर निकाल लेता है, ठीक है। दिस इज व्हाट ही डज। और मेरा ख्याल है गियाना के अंदर नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी इंगेजमेंट्स की हैं। The only thing it was, the logic behind was कि वो जो cultural and religious connection, cultural and religious connection जो थे उसका उन्होंने सहारा लिया और उन्होंने सब कुछ किया। Let's see ये क्या Chinese जो हैं, how do they see this? मैं टॉपिक इस पे बात कर रहा हूँ, ये भी समझ लें बिजनेस के रिलेटेड ही है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने अभी कैरिबियन स्टेट्स का विजिट किया, वहाँ पे जो 15 कंट्रीज हैं और यूनियन की, वहाँ पे उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, इन सब सेक्टर्स में हेल्प करने का ऐलान किया, अनाउंस किया कि हम उनकी हेल्प करेंगे। जी जी। मुझे बताएं पाकिस्तान कभी चाइना पास जाता है, कभी अपना यूएसए के पास जाता है, यही अगर हम अपने इंडिया से रिलेशन बेहतर कर लें तो क्या आपको नहीं लगता वो हमारी हेल्प भी कर सकते हैं, ट्रेड भी हो सकती है, बजाय एड के कभी कहीं कशकोल ले गए, कभी कहीं पे कटोरा ले गए, एड की बजाय ट्रेड पे अगर हम वर्क करें। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, अच्छा ठीक है, इंडिया तुम्हारे ईस्ट में है ना, इसके अलावा हमारे और भी तो मोहल्लेदार है ना, बिल्कुल सब हमें हर एक के साथ जो है ना अच्छे तल्लुकात रखने चाहिए, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं, अपने हालात को कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है जी, और सबसे ट्रेड ही करनी चाहिए। एड जो है ना, तो इसमें तो दो राय हो ही नहीं सकती, ठीक है, देने वाला हाथ बेहतर होता है, लेने वाला हाथ जो है वो कभी अच्छा नहीं होता, ठीक हो गया। और हमें ऐसे हालात पैदा करने चाहिए कि हम दें, चाहे वो हम अपनी इंफरादी हैसियत से बात करें या कौमी हैसियत, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ जी। नहीं तो ये चीज हमारे हुक्मरानों को क्यों नहीं समझ आ रही, हम अमेरिका के पास कभी जाके हाथ फैलाते हैं कि जी पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं, कभी हम अपना चाइना के पास जाके अभी आईएमएफ के पास जैसे गए थे, क्यों नहीं हम बिजनेस के ऊपर वर्क क्यों नहीं करते, आज इंडिया किधर से किधर चला गया। मुझे हमारे सिर्फ हुक्मरानों की बात ना करें, ठीक है जी, आप अपने इर्द गिर्द अपने गिर्दोनवा में ऐसे लोगों को देखेंगे ना, ठीक है वो भी आपको ऐसे लोग ही मिलेंगे जो जाएंगे शॉर्टकट रास्ता, ठीक है, जल्दी बस अमीर हो जाए, चाहे लॉटरी के जरिए हो जाए, चाहे किसी के साथ करप्शन करके हो जाए, ठीक है, तो हुक्मरान भी हम ही से निकले हैं ना। मुझे लगता है हुक्मरान हमें बेवकूफ बनाते हैं, जितनी भी वाम खड़ी है ना हमें बनाते हैं बेवकूफ, हमें ये नहीं बताते दुनिया में क्या हो रहा है, हमें ये नहीं बताते कि भाई अपना इंडिया जिनसे हम ये कहते हैं जंग करनी है, उस दिन भी शायद यही बात हो रही थी, ठीक है, हमें ये नहीं बताते कि यार वो कहाँ चला गया और कैसे गया, क्या हमें वो ही बात है ना, वो आपको बेवकूफ बनाते हैं। दोस्तों जाहिर सी बात है, अगर जहाँ भी भारतीय कल्चर की बात होगी पाकिस्तान अपने आप जलने लगता है, जबकि इन मूर्खों को कौन बताए कि 1947 में इनको भी भारत ही कहा जाता है, वो तो जिन्ना और नेहरू जी की क्या बात हुई होगी कि उन्होंने भारत को टुकड़े कर दिए, वरना ये सब भारत और इसी परंपरा के अंतर्गत आता, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया। लेकिन खैर गयाना में जो ये स्कूल है काफ़ी ज़बरदस्त स्कूल है, और जान के अच्छा लगा कि एटलीस्ट भारत में तो सरकारी स्तर पे ऐसी चीज़ें इनिशिएट नहीं की जाती है, क्योंकि यहाँ एक आप कह लो समानता के नाम पे ठगी की जाती है कि नहीं भाई अगर कोई अपने ही कल्चर को प्रमोट करने से डरते हैं कि असमानता फैलने लगेगी, जबकि अगर हम सनातनी कल्चर को प्रिवेंट नहीं करेंगे, नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा। लेकिन सरकारी स्तर पर हम देखते हैं कि सनातनी कल्चर हमारे गवर्नमेंट के स्तर पर तो नहीं प्रमोट किया जाता है, लेकिन भाई गयाना देख लो आप, सेसेल्स देख लो, मॉरिशस देख लो, इसके बाद यही कैरेबियन द्वीप में ही आप बहुत सारे देश देखेंगे जहाँ पे सनातनी कल्चर को ना सिर्फ अपनाया जा रहा है बल्कि स्कूलों में भी पढ़ाया जा रहा है ताकि बचपन से अच्छी चीज़ें सीखें। आप देख लो कोई भी कल्चर उठा के देख लो, सबसे बेस्ट और प्यार मोहब्बत की जो टीचिंग है वो आपको सिर्फ और सिर्फ सनातन परम्परा में ही या हमारे पुराणों में वेदों में ही देखने को मिलेगा, और तो हर जगह मारो काटो
और आप जानते ही हैं कि ये असामाजिक तत्व भी हैं जो कहते हैं कन्वर्ट कर दो, देखते ही काफिर है कन्वर्ट कर दो या गला उड़ा दो, ये वाला कल्चर भी है कई सारे मजहबों में। तो भाई उन सबसे बेस्ट है अपना सनातन कल्चर, ठीक है, और उस पर प्राउड है, लोग जुड़ रहे हैं, हमें जोड़ने की कोशिश ही नहीं करनी पड़ती, खुद ब खुद लोग इससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये तो हमारी परंपरा है।